What is up guys, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम खेलने वाले हैं वेडिंग डिजाइनर। तो इस गेम में हम वेडिंग डिजाइनर बने और हमें डिजाइन करनी है वेडिंग की थीम और डेकोरेट करना है वेडिंग का वेन्यू। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आ चुके हैं अपनी शॉप के बाहर और आई थिंक यही है मेरी शॉप वेडिंग डिजाइनर। और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव है फाइंड द फ्यूज बॉक्स एंड टर्न ऑन द पावर। ओके, तो मुझे फ्यूज बॉक्स ढूंढना है और ऑन करनी है पावर को। हम एंटर करते हैं इस गेट के अंदर। ओके, तो इस गेट को हम खोलते हैं और ये रही अपनी शॉप। मुझे लग रहा है लाइटिंग की थोड़ी कमी अपनी शॉप पे और टीवी भी पड़ा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये बेकरी का सामान पड़ा हुआ है। ओके, और यहाँ पे कुछ मैनिक्विंस पड़ी है, उस पर कपड़े लगे हुए हैं। ठीक है, वेडिंग की जो अपनी थीम होगी। ओके, तो सबसे पहले मुझे फ्यूज बॉक्स ढूंढना है, तो मैं फ्यूज बॉक्स ढूंढता हूँ क्योंकि लाइट नहीं है और यहाँ पे मैं एंटर नहीं कर सकता। ओके, इस गेट के अंदर। ओके, यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है ये रिंग जैसी। ये सीक्रेट से हमने एक सीक्रेट कलेक्ट कर लिया और ऐसे तीन सीक्रेट छुपे हुए हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, तो आई थिंक ये रहा फ्यूज बॉक्स। ओके, तो ये रहा फ्यूज बॉक्स और यहाँ से हम ऑन करते हैं अपने फ्यूज बॉक्स को। ऑन हो जा। ओके, तो हमने एक ऑन कर दिया। और आउटसाइड की भी, टेक द वैक्यूम फ्रॉम वैन। ओके, गो बैक टू द वैन एंड पिक अप द वैक्यूम क्लीनर। ओके, तो मुझे वैक्यूम क्लीनर लाना है वैन से। कितनी मिट्टी और कितना कचरा रखा है अपनी शॉप पे, तो जल्दी से मैं वैक्यूम क्लीनर लाता हूँ और साफ कर देता हूँ सारी गंदगी। ये रही अपनी वैन, खोलते हैं हम इसका बैक डोर। यहीं पे वैक्यूम क्लीनर पड़ा है, ये रहा वैक्यूम क्लीनर। ओके, तो हमने वैक्यूम क्लीनर उठा लिया है। अब हमें इसकी मदद से सारा ट्रैश को हटाना है। ओके, वैक्यूम क्लीनर तो एकदम फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, कोई मशीन गन टाइप लग रही है। ओके, तो ये ट्रैश पे यूज होगा, तो हम इसे सारे ट्रैश यहां से गायब कर देते हैं। एक ही झटके में सारा ट्रैश गायब हो रहा है। ये सारी हम सफाई कर देते हैं पहले, उसके बाद देखना हमें क्या करना है। रिप ऑफ द कर्टन्स। ओके, जो कर्टन है हमें वो रिप ऑफ करना है। ये रहा कर्टन्स और यहां से हमें इस कर्टन को तोड़ना है। ओके, कटेगा कैसे? रिप ऑफ द कर्टन, आई थिंक ये हैंड की मदद से होगा। हां, वॉश द फ्लोर। सबसे पहले हमें वॉश करना है फ्लोर को। सारा हमें नॉकर बना के रख दिया पहले। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूं कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? ओके, तो मैंने यहाँ से ब्रूम उठा लिया और हमें पूरा फ्लोर को क्लीन करना है। और यहाँ पे बहुत गंदगी हो रही है, यहाँ से मैं ब्रूम सिलेक्ट करता हूँ और क्लीन करता हूँ। ये वो एक ही झटके में सारा क्लीन कर दिया है अपना। वैसे वुडन फ्लोर काफी बढ़िया लग रहा है, एकदम नया जैसा होगा क्लीन होने के बाद। एकदम जल्दी से सारी फ्लोर को एकदम क्लीन कर देता हूँ। और यहाँ की तो मैंने फ्लोर क्लीन कर दिया, बस यहाँ पे बचा है थोड़ी। ये पता नहीं सीमेंट पड़ा है क्या, पाउडर से पड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे वॉश द फ्लोर है और 70% वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो मुझे यहाँ का साफ करना है। आई थिंक ये स्टोर रूम है और यहाँ पे एक व्हील पड़ा हुआ है। इस व्हील को क्या होगा, इस व्हील को उठाएं तो हमें। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लीन कर दिया, बस ये चीज बची है, हम क्लीन नहीं कर पा रहे। पहले इस व्हील को उठाना पड़ेगा। इस व्हील को उठाते हैं, क्या ये व्हील को, व्हील ऐसे ही था आई थिंक, व्हील से कुछ। ओके, तो हम व्हील से कुछ कर नहीं सकते, बस ओके साइड अवॉइड कर सकते हैं। ओके, साइड करने के लिए था व्हील, तो हमने व्हील को साइड कर दिया। अब यहाँ से क्लीन कर देते हैं फ्लोर को। वॉश द फ्लोर हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना है फाइंड द पंप इन द ड्रॉर। ओके, तो हमें पंप फाइंड करना है ड्रॉर के अंदर। ये रहा ड्रॉर। ड्रॉर के अंदर पंप कैसे रखा हो सकता है? वो इतना सा छोटा सा पंप है, मुझे लगा पंप थोड़ा बड़ा होगा। सिलेक्ट द पंप टूल फॉर क्विक मेन्यू। ओके, मैं सिलेक्ट करता हूँ पंप टूल और इसे हमें क्या करना है? ओके, केक को बड़ा करना है। अबे, केक के अंदर हवा भर के हमने केक बड़ा कर दिया। ये कौन सी निंजा टेक्निक है भाई, कि बड़ा भी हो सकता है छोटा भी। आई थिंक ये केक असली नहीं है, कोई बैलून टाइप है केक का। अब हमारा टास्क है हमें हैंग करने ड्रेपर्स ऑन द पिन पे। और पिन्स कहाँ पे हैं ये मुझे ढूंढनी पड़ेगी पिन। ओके, तो हमें इस फ्लोर पे जाना है कमिंग सून। ओके, यहाँ पे एक सीक्रेट पड़ा है, सीक्रेट को मैं उठा लेता हूँ। हमारा एक सीक्रेट बाकी है, हमने दो सीक्रेट पिक कर लिए, बस एक सीक्रेट अपना बचा हुआ है। ट्राम, और बाहर ट्राम जा रही है बाहर, बहुत ही अच्छी जगह है, एकदम स्ट्रीट पे सिर्फ मेरी दुकान है, कोई और मुझे दुकान दिख ही नहीं रही। ओके, तो मैं यहाँ से ऐसे पिक कर सकता हूँ। ओके, तो ये रे कर्टन्स और यहाँ से कर्टन्स $20 के हैं। ओके, तो $20 कर्टन लेके हम इधर हमें लगाने हैं, तो हम लगा देते हैं एक कर्टन इस साइड पे और इस साइड पे, तो हमने लगा दिया है। और इधर भी लगाना है, तो इसे भी हम लगा देते हैं। हम अपनी शॉप को थोड़ा डेकोरेट कर रहे हैं। सेट द स्मॉल डेकोरेशन ऑफ द पिलर। ओके, तो हमें पिलर भी डेकोरेट करना है। कौन सा पिलर, पिलर कहाँ पे, यहाँ पे। सेट स्मॉल डेकोरेशन ऑन द पिलर। अब मुझे पिलर ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे पिलर है। ओके, तो यहाँ से $2 का एक रिबन पड़ा है और पिलर ढूंढना पड़ेगा पहले, पिलर कहाँ पे है। ओके, तो ये रे पिलर, इस पिलर पे हमें लगानी है। ऊपर ऊपर हम सारे रिबन लगा देते हैं थोड़ा डेकोरेट करने के लिए अपनी शॉप पे, ताकि लोग आए। तो यहाँ पे रिबन लगा दिए ताकि अपनी शॉप बढ़िया लगे। और हमें टास्क मिला है कंप्यूटर पे बैठने का। और मैंने यहाँ पे फ्लावर, इस फ्लावर को रहने देते हैं। ओके, तो इस फ्लावर को यहाँ पे लगा देते हैं, एक फ्लावर यहाँ पे लगा देते हैं, $5 का है, कोई नहीं। और एक यहाँ पे भी लगा ही देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं चारों, क्यों ही छोड़ना है हमें। ओके, तो हमने सब पे डेकोरेट कर दिया है यहाँ पे। अब मेरा टास्क हमें कंप्यूटर पे ऑन करना है। अपना कंप्यूटर कहाँ पे है, ये एक्सेप्ट द ऑर्डर्स। ओके, तो अपने पास लैपटॉप है। हाई माइट, यू माइट नॉट कॉल मी, माय नेम इज अमांडा, आई एम योर। ओके, तो हमें वेडिंग का ऑफर आया, तो हम टेक करते हैं इस ऑर्डर को। गो टू द वैन, जल्दी से हम वैन की तरफ चलते हैं उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो हम किसी की फार्म पे आ चुके हैं और ये रहा फार्म। फार्म काफी सही लग रहा है इसका और ये फार्म। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव, हमें बॉब से बात करनी है और ये रहा बॉब।
तो बॉब से बात कर लेते हैं हम। ओके, तो हमसे पूछ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। अबे तूने बुलाया है, अमांडा टोल्ड मी यू आर कीपर। ये तो बकवास से मारा है, जल्दी से खत्म करता हूँ उसकी बातें सुन के मैं। ओके, तो हमारे इस बंदे ने बोला हमें रिपेयर करना है कोरल को, और कोरल हमें ढूंढना पड़ेगा। क्या ये कोरल, उसे रिपेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ एरोस आ रहा है। ओके, तो हमें ये बांध टाइप कुछ रिपेयर करना है। ओके, तो हमें ये ड्रिल से रिपेयर करना है, और आई थिंक मेरे पास ड्रिल है ही, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो मेरे पास ड्रिल है और ड्रिल से ये चीज़ रिपेयर करनी है, और इसके लिए दो नट हो। एक ही सेकेंड में हमने लकड़ी वाले को स्टील में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो मैं सबको ऐसे कन्वर्ट कर देता हूँ। कलेक्ट द गार्बेज टर्न इनटू मटेरियल्स। ओके, तो हम गार्बेज को मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सारे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हमें गार्बेज ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो गार्बेज ढूंढने के लिए हमें कोई मशीन चाहिए शायद। हाँ, हम वैक्यूम क्लीनर से हमें पहले गार्बेज को कन्वर्ट करना है, पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो हमें गार्बेज ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले जो। ओके, तो ये रहा, इसे कन्वर्ट करते थे हम। और भी आसपास जो भी है ना, ये एक और प्लैंक पड़ा है, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ पड़ी है, क्या है, बॉटल। इस बॉटल को भी हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं उसके अंदर। और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, और आगे देखते हैं। ओके, एक प्लैंक ये रहा, इस प्लैंक को भी ले लेते हैं हम। तो तीन चार प्लैंक हो गया, मुझे लगता है एक फेंस तो बननी चाहिए अपनी। तो ट्राई करता हूँ कि फेंस बन रही है नहीं बन रही। ओके, तो ट्राई करते हैं, हमें दो नट चाहिए। ओके, तो मेरे पास नट नहीं है अभी, और नट वहाँ पे जीरो दिखा रहे हैं नीचे। नट चाहिए और मुझे क्या चाहिए, एक प्लैंक। तो मेरे पास प्लैंक तो है, मुझे नट चाहिए, नट ढूंढना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे एक और ट्रैश पड़ा, इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से नट ढूंढ लेता। ओके, तो मुझे दो नट मिल चुके हैं यहाँ से। ओके, तो मैंने दो नट आ गए, तो मैं एक रिपेयर कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक और बना लिया। अब मुझे एक दो तीन चार साइड रहती है, वो भी मैं जल्दी से पहले नट ढूंढ के वो ले लेता हूँ। A few moments later. ओके, तो मैंने 10 नट कलेक्ट कर लिया, मुझे लग रहा है इनफ होंगे। और मुझे ड्रिल टूल पे जाना है, और ये रहा बान, और यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। मेरे पास 10 तो आ चुके हैं ड्रिल बिट। ओके, तो मैंने यहाँ पे भी रिपेयर कर दिया, और मेरे पास अभी 6 बचे हैं, और यहाँ पे भी एक रिपेयर कर देते हैं इसे भी। और बस दो चीज़ बची है मेरे, शायद होना चाहिए क्योंकि एक ही लास्ट बचा है, और ये कंप्लीट रिपेयर दे कोरल हो चुका है। हर्ट द ऑल पिग्स। ओके, तो हमें इसके अंदर अपने पिग्स को रखना है। तो यहाँ से हम पिग्स को कैसे लेंगे, एक सेकंड में पिग्स को उठा सकता हूँ क्या? ओके, तो मैं पिग्स को उठा नहीं सकता। हर्ट ऑल द पिग्स टू द कोरल, लेकिन वो करूँगा कैसे, मैं पिग्स को कैसे लेके जाऊँगा उस जगह पे? कोई तो मुझे चीज़ चाहिए, मेरे पास कोई टूल भी ऐसा पड़ा नहीं है जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। आई थिंक मैं कचरा सारा पहले मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे, जो जितना भी सारा ट्रैश पड़ा है सबको मैं उठा लेता हूँ। और क्योंकि हमारे क्या पता आगे भी कुछ चीज़ कन्वर्ट करने के लिए आए, तो उसके लिए मैं पहले से उठा लेता हूँ टूल्स। और मेरे पास अभी $6,000 पड़े हुए हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा मैं पिक्स को वहाँ पे कैसे लेके जा सकता हूँ। क्या मैं वैक्यूम क्लीनर से खींच के लेके जा सकता हूँ क्या पिक को? ओके, जा इधर जा रहे हैं, जा इस तरफ जा, इधर 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 इधर। ओके, तो हमें ऐसे डायरेक्शन करनी है पिक्स की, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसमें। ओके, तो हमने एक पिक को बंद कर दिया, लेकिन मुझे डर है ये पिक बाहर ना आ जाए। और दूसरे पिक कहाँ पे, आ जा उन पिक को भी लेके आते हैं। चलो इन्हें धक्के मार मार के लेके जाना पड़ेगा। चल उधर चल, ये तो बहुत स्लो है, धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा मुझे इन्हें, वरना तो जा ही नहीं रहे वहाँ पे। ओके, तो मेरे पास टोटल 3 पिक हैं, और इन्हें ले जाने में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर कोई लीड भी लीश होती तो मैं उन्हें आराम से खींच के ले जाता। चल इधर चल, अभी उधर जा यार, यहाँ पे आ जा आराम से। शुक्र है वो वाला पिक बाहर नहीं आ रहा, वरना और दिक्कत हो जाती। चल इधर चल, बाहर खड़ा एकदम अंदर। ओके, तो ये अंदर आज जा चुका है, बस मुझे एक और पिक को लाना है। हीरा पिक, ये पिक तो कितना दूर है, इसे ले जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। 75 years later. ओके, तो मैंने फाइनली तीनों पिक्स को अंदर डाल दिया, और हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइंड द ट्रैक्टर कीज। यहाँ पे हम वेडिंग का डिजाइन तो कर ही रहे, इसके आलतू फालतू के काम करने में लगे पड़े। अब हमें इसके ट्रैक्टर की कीज फाइंड करनी पड़ेगी। ट्रैक्टर तो ये खड़ा है, इसका 13 नंबर का ट्रैक्टर। इसका ट्रैक्टर पेंट हो रखा है सही, एकदम बढ़िया लग रहा है इसका ट्रैक्टर। तो हमें चाहिए यहाँ पे बैटरी बढ़ी है, इस बैटरी को हम भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उसके अंदर। इस टायर को भी कर देते हैं ट्रांसफॉर्म, और इसको भी रिसाइकिल कर देते हैं हम सारी चीज़ें को। और अब मुझे ट्रैक्टर की कीज़ ढूंढनी पड़ेगी, इसमें ट्रैक्टर की कीज़ कहाँ पे रखी होंगी। ओके, तो हमने बांध में एक हॉर्स भी और एक गाय भी। ओके, यहाँ पे एक एरो आ रहा है, फाइंड द वे टू डिस्प्रेस द बीज। ओके, हमें इन बीज को भी इसके अंदर डालना है। अगर ऐसे मुझे बीज काट गई ना, तो मेरा मुंह सूज के लाल हो जाएगा एकदम। और यहाँ पे कुछ एरो भी आ रहा है, मैं पीछे घूम के जाता हूँ एकदम। ओके, तो हमारी जो की है वो यहाँ पे बढ़ी है, लेकिन अभी हम वो की को कलेक्ट नहीं कर सकते। पहले हमें वो सारी बीज को है ना उसके अंदर डालना पड़ेगा, तभी हम कीज को कलेक्ट कर पाएंगे। और उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा शायद, तो हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे एक टूल पड़ा हुआ है, कौन सा टूल है? इस टूल को हम पिक कर लेते हैं। कौन सा टूल उठाया मैं देख लेता हूँ, ये है आई थिंक, ये बीज को अंदर डाल देगा उनके बी हाइव्स में। ऑन करता हूँ इसे। ओके, तो मैंने स्प्रे कर दिया, और ये मुझे बीज तो लग ही नहीं रही, ये तो मक्खियाँ टाइप लग रही हैं कुछ। स्प्रे तो कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने स्प्रे कर दिए,
कुछ कुछ फायदा हुआ है और की कहाँ पे है? पागल बंदे ने यहाँ पे रखी है की, यहाँ पे की कौन रखता है भाई? इतनी सेफ जगह की कोई बंदा उठा ही ना पाए गैट ट्रैक्टर की, क्योंकि तो मैंने ट्रैक्टर की ले लिया, ब्रेक द ओल्ड बॉब ट्रैक रिकॉर्ड। ओके तो हम इसे रिकॉर्ड को तोड़ना है, ये तो एक सेकंड में कर देंगे, वैसे भी हम प्रो ड्राइवर हैं। तो हम यहाँ से हमने ट्रैक्टर ऑन किया, यहाँ पे ट्रैक्टर की हमें रेस करनी है, अपने ट्रैक्टर पिंक कलर का कैसे हो गया? ओके तो हम, मुझे लगता है इस रेस में हम जीत जाएंगे, लेकिन अपना ट्रैक्टर काफी स्लो है, 12 चेक पॉइंट है टोटल। कोई नहीं, हम ये कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से टर्न लेना है, चल जल्दी टर्न ले ले। ओके तो हम आ चुके हैं मेन रोड पे और अभी भी 3 चेक पॉइंट है और हमें 1.17 सेकंड के अंदर पहुंचने ही हमारा रिकॉर्ड है, दूसरों का रिकॉर्ड है। भाई ये ट्रैक्टर काफी स्लो है, मुझे नहीं लगता ये हो भी पाएगा, और मुझे सिर्फ 2 चेक पॉइंट कलेक्ट करने हैं, लेकिन ये ऑफ रोड पे ट्रैक बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बस एक चेक पॉइंट बचा है, कहाँ पे वो चेक पॉइंट? वहाँ पे। और मेरा ट्रैक्टर अपने थोड़ी स्पीड पकड़ी है, लेकिन ओके तो मैंने कर लिया है। ओके तो बस मैं खत्म कर रहा हूँ, अब मुझे स्किप दी रेस कर दो, खत्म कर रहे हैं। अब हमें डेकोरेट करना है इस बान को, तो हमें डेकोरेट करने के लिए पहले ये सारे सामान को हटाना पड़ेगा, क्लीन दी फ्लोर। ओके तो सबसे पहले ये जो सारा कचरा पड़ा है ये सारा हमें उठाना पड़ेगा और हमें पहले फिर क्लीन करना पड़ेगा फ्लोर को। तो मेरे पास वैक्यूम क्लीनर तो है, ये सारा सामान पहले मैं गायब कर दूं झटके से, 2 सेकंड में सारा सामान यहाँ पे गायब कर दूंगा और उसका बान एकदम क्लीन कर दूंगा मैं। ओके तो मैंने इसके बान से सारा कचरा तो हटा दिया, तो मुझे सारा फ्लोर साफ करना है और फ्लोर मुझे लग रहा है 2 सेकंड में साफ हो जाएगा, ज्यादा गंदा भी नहीं है क्योंकि मेरी ब्रूम इतनी पावरफुल है, एक ही झटके में वो सब कुछ क्लीन कर रही है। और मैंने यहाँ पे 41% तो कंप्लीट कर दिया, अभी 2 सेकंड में सारा कंप्लीट कर दूंगा मैं, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। A few moments later. Okay, तो मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया, अब मुझे फिक्स करना है फ्लोर के। ओके तो सबसे पहले मुझे रिपेयर करना है बान, और बान रिपेयर करने के लिए मुझे ड्रिल बिट चाहिए। ओके तो यहाँ से हमें रिपेयर करना है, मेरे पास वैसे टूल्स तो हैं, आई थिंक मैं रिपेयर कर लूंगा। और मेरे पास अभी कितनी 28 नेल्स हैं, मुझे लगता है काम हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे भी ये वुडन बांध टूटा हुआ है, यहाँ से मैं रिपेयर कर देते हैं इस बांध को, इस साइड से हमने रिपेयर कर दिया और इस साइड से तो मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक है। ओके तो ये वाला टूटा हुआ है, इसे हम रिपेयर कर देते हैं। ये रिपेयर क्यों नहीं हो रहा? आई थिंक ये अंदर से रिपेयर होगा, हमें अंदर जाके रिपेयर करनी पड़ेगी ये चीज़ कि बाहर से। ओके यहाँ पे भी बचा है, ये हमें रिपेयर कर दें। ओके तो हमने ये रिपेयर कर दिया, अंदर का बचा था ना। ओके तो ये भी हमने रिपेयर कर दिया है, रिपेयर द बांध 32% हुआ है। ओके तो हमें ऊपर से भी बांध रिपेयर करना है। ओके तो मैं सोच रहा हूँ जंप, ओके तो मैं जंप, मेरी जंप इतनी पावरफुल है कि मैं बांध के ऊपर चढ़ गया रूफ पे उसकी। 75 years later. ओके तो मेरे पास फिर से 18 नेल्स आ चुके हैं और ये 2 ही एरिया होना चाहिए, 86% और ये फिनिश होना चाहिए 91%। अभी भी 9% कुछ बचा हुआ है काम। और ये कहाँ पे? इस साइड तो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, उस साइड है क्या? ओके तो बांध की ये वाली साइड भी बची थी, इसे मैं रिपेयर कर देता हूँ। और कंप्लीट कर दिया हमने अपनी बांध को और अब हमें पेंट करना है अपने बांध को। ओके तो सेटअप डेकोरेशन और पेंट द बांध। और पेंट बकेट कहाँ पे पड़ी है मेरी? ओके तो मुझे पेंट बकेट शायद मेरी वैन के अंदर पड़ी होंगी, तो यहाँ से हम सारी पेंट बकेट उठा लेते हैं। और मेरे पास ये रहा पेंट टूल और कौन कौन सी है, पिंक रेड, मुझे लग रहा है रेड करना चाहिए रूफ। ओके तो मैं रूफ इसकी रेड करूंगा, तो यहाँ से मैंने पिक कर लिया है, यहाँ से रेड मैंने पिक कर लिया है। अगर मैं फ्रंट रेड करके देखूँ तो कैसा लगता है? हाँ तो रेड बढ़िया लग रहा है, तो रेड बढ़िया लग रहा है। मैं इस पूरे पे ना रेड ही पेंट कर देता हूँ इस साइड, और ऊपर में मैं ऑरेंज या फिर येलो पेंट कर दूंगा और वो भी बढ़िया लगेगा मुझे लग रहा है। ओके तो मैंने बान को अच्छी तरीके से पेंट कर दिया, फ्रंट साइड से और साइड से भी अच्छे से मैंने पूरा पेंट कर दिया है। अब हमें मेरे टास्क है कि हमें टेक द प्रोटेक्टिव हेडफोन्स फ्रॉम दी वैन। तो पहले मैं वैन से हेडफोन्स ले लेता हूँ। कहाँ पे पड़े हेडफोन मेरे? शायद आगे पड़े होंगे। नहीं नहीं, यहाँ तो हेडफोन नहीं पड़े, एरो तो मुझे इस साइड दिखा रहा है। ओके तो अपने साइड डोर में पड़े होंगे हेडफोन, तो यहाँ से मैं हेडफोन ले लेता हूँ। पुट हेडफोन्स ऑन एनिमल हेड। ओके तो मुझे हेडफोन्स एनिमल के हेड पे बनाने, पता नहीं क्यों, तो मुझे हेडफोन्स पिनाने हैं एनिमल्स के हेड पे, देखते हैं क्या होता है। ओके तो मैंने हेडफोन बना दिए, और ये हेलमेट सा क्या बना दिया इसने? ओके तो मुझे सारे एनिमल्स पे पहले मैं हेडफोन्स लगा लेता हूँ फटाफट से। आई थिंक हम कुछ शोर वाला काम करने वाले हैं, अगर जानवरों को परेशानी ना हो तो। इसके लिए भी, चिकन के लिए भी, वो अपने चिकन के लिए भी छोटा सा हेडफोन लगाए हम, अपने हॉर्स पे भी लगाते हैं इस हेडफोन को। ओके तो अब हमें इस स्टेज को रिपेयर करना है, और मेरे पास नेल्स की कमी पड़ गई, तो पहले मुझे सबसे पहले नेल्स लानी पड़ेगी और फिर रिपेयर करना पड़ेगा इस स्टेज को। ओके तो मेरे पास 50 नेल आ चुके हैं और मुझे लग रहा है इनफ होंगी इस स्टेज को रिपेयर करने के लिए। बस 2 साइड बची और ये रिपेयर हो चुकी है अपनी स्टेज भी। ओके तो मुझे लग रहा है हमने बान को काफ़ी क्लीन कर लिया और थोड़ा पेंट भी कर लिया है, तो मुझे लग रहा है हमें डेकोरेट अगली बार करनी चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना था, अगर आपकी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।